हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर पूजा। आज मैं लाइफ की पांच इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो बहुत ही छोटी छोटी सी हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हैं हमारे जीवन में। तो सबसे पहला जो है वो है इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है हेल्थ। हमें अपने हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और पहले ही कहते थे ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। और आपको पता ही है कि कोई हेल्दी पीपल होता है वो उसका हर काम में मन लगता है, वो चीज़ों को आसानी से कर पाता है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उनका सपोर्ट हमें मिलता है, हम उनसे बातें करते हैं और किसी भी मुसीबत के समय वो हमारे बहुत काम आते हैं। जो तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारी लाइफ में एक पर्पज का होना, एक गोल हमें होना चाहिए। हमेशा हम कुछ, ठीक है, हम बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं सेट कर पाते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे गोल्स सेट करें और उनको फुलफिल करने की कोशिश करें। और जो चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है टाइम। तो टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, और ये यहाँ पर बहुत लिमिटेड भी है, क्योंकि जब हम अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं तो उसके बाद हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ आती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम कोशिश करें, क्योंकि जब हमारे पास टाइम होता है तो हम बहुत सारे काम कर पाते हैं, हम खुद को बहुत सारी स्किल्स को सीखने में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जब सारे काम फुलफिल करने के बाद हम टाइम बचा लेते हैं तो फिर वो हमारे लिए फन मोमेंट्स भी लेके आती है, हम छुट्टियां एंजॉय कर पाते हैं। और जो सब पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लाइफ में है लर्निंग। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हम अगर अब सोच लें कि हमें सब कुछ आता है तो कभी कुछ चैलेंजेस आएंगे ना कि हम कम्प्लीटली फेल मार जाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हमारा लर्निंग प्रोसेस हमेशा बना के रखें। लाइफ में कभी भी सीखने से भागना नहीं चाहिए, कुछ भी हो। हाँ, निरंतर जो सीखने की कोशिश करते हैं लोग ना, वो जीवन में हमेशा प्रगति की तरफ बढ़ते जाते हैं। That's all for today. फिर कभी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।